हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिंपल एंड यूनिक किचन में। मेरा नाम है शालिनी। फ्रेंड्स, अकस्मात आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए और आपको नाश्ता 4-5 मिनट में बनाना है तो आप क्या करेंगे? आपके घर में आलू तो हर समय अवेलेबल रहते हैं, तो आप 3-4 मिनट में कच्चे आलू से टेस्टी स्नैक्स बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत सिंपल है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए कच्चे आलू से 3-4 मिनट में टेस्टी स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने कच्चे आलू लिए हैं। इन्हें हमने छील कर अच्छे से धो लिया, एकदम साफ कर लिया है, क्योंकि हम इसके बाद अब इसे धोते नहीं है। अब हम इन्हें कद्दूकस करते हैं। कद्दूकस करने के लिए हमने जो मोटा वाला कद्दूकस का पार्ट होता है उधर से हमने कद्दूकस किया है, पतले महीन वाले से नहीं करते। ये हमारे कद्दूकस हो गए हैं। अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेते हैं। इन्हें सबको अच्छे से बाउल में निकाल देते हैं। 2 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। इधर हम डीप फ्राई के लिए ऑयल गर्म करने रख देते हैं। इसमें अब हम नमक डाल देते हैं, चाट मसाला डाल देते हैं, चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, बट चिली फ्लेक्स से इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। कद्दूकस की हुई अदरक इसमें हम डाल देते हैं। ये 2 मिनट में बनके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आपके घर पर कोई भी गेस्ट है, आप फटाफट इस रेसिपी को बना सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा डाल देते हैं। 3-4 स्पून अप्रॉक्स कॉर्नफ्लोर इसमें हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। हमारे मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन भी डाल देते हैं। इससे हमारे जो ये हम अभी स्नैक बनाएंगे वो बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी बन के आता है। इसे भी इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारे एकदम मिक्स हो गए हैं। ये देखिए, इधर हमारा जो डीप फ्राई के लिए ऑयल हमने रखा था गैस पे, वो भी हमारा तेज गर्म हो गया है। अब हम इन्हें ले जाके डीप फ्राई करते हैं। तो हम एक स्पून में थोड़ा थोड़ा पार्ट लेते हुए इसे डीप फ्राई के लिए छोड़ते जाते हैं। ऐसे आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से हमने छोड़े हैं। इसे डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालें। अगर आप स्पून से नहीं डाल पा रहे हैं तो आप हाथों से भी इसके पकौड़े से बनाते हुए इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। ये आपको पकौड़े नहीं लगेंगे, अलग ही नाश्ता लगता है। और सबसे बड़ी खासियत इस नाश्ते की ये है कि ये आपका मिनिमम 5 मिनट में, मैक्सिमम 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। मतलब कि 5 से 7 मिनट लगते हैं बस इस नाश्ते को बनाने में। तो आपके घर में अगर कोई अचानक से गेस्ट आ जाए तो आलू सबके घर में अवेलेबल होते ही हैं, आप झटपट इसे बना सकते हैं। तेज गर्म ऑयल में इन्हें डीप फ्राई करें और फिर आप गैस सिम कर दें और इन्हें डीप फ्राई में दें ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी बनकर आए। ये हमारे डीप फ्राई हो गए, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से अपने बाकी बचे ये आलू का स्नैक जो है अपना बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हाथों से आप इस तरीके से इसे डाल सकते हैं और स्पून से मैंने आपको दिखाया ही था, आप उस तरीके से डाल सकते हैं। जैसे आपको मतलब सुविधा लगे, आपको सही लगे डालना, वैसे आप बना लीजिए और पलट पलट के इन्हें डीप फ्राई कीजिए। इस तरीके से ये हमारा बनके तैयार है। अब आप इसे सॉस चटनी जिसके साथ सर्व करना चाहते हैं कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ स्नैक्स अच्छा लगा होगा। अपनी राय नीचे कमेंट्स में दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।